गंगाधर आए शिव गंगाधर आए। सारे भाई अपने एंजॉय कर रहे हैं आराम से। अरे हर शंभू अंदर ही आपको थाली मिल जाएगी, पूजा की थाली। और भीड़ नहीं होती है भाई यहाँ पे, बहुत कम लोग आने लगे हैं, बहुत कम है भीड़ तो अभी फ़िलहाल। जब मैं सुबह सुबह आया इतनी भीड़ नहीं है, अब कुछ लोग आए हैं वो सामने आप देख रहे हो, वरना मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं है। आपके आराम से दर्शन होंगे, कोई ख़ास दिक्कत होने वाली है नहीं। आप चलते ही भाव देख रहे हो कितना तेज़ है भाई, आवाज यहाँ तक आ रही होगी जब मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप आराम से सुन सकते हो। इवन मैंने बड़े वाला माइक लगा रखा है। हाय राम, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, हर हर महादेव। अरे राम रे, सारे पैर भाई, पैर ऐसे हो रखे हैं बिल्कुल मसल यूं लठ वर्गी, देख लो भैया। वहाँ की सुंदरता, मन कर रहा है इसमें कूद जाऊँ बस। मेरा भी मन कर रहा है नहाने का, लेकिन मैं नहा के आया हूँ सुबह, और अभी मेरे पास बड़ा टॉवल भी नहीं है चेंज करने के लिए, किसकी का मांगना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। थोड़ी बहुत तो नहीं इनकम होगी यार, थोड़ी देर लेट लेते हैं धूप में। ये भाई तो बिल्कुल ही वो कर रहा है साधना शांति से, ये देखो उधर दो भाई सुल्फा पी रहे हैं, बाकी भाई एंजॉय कर रहे हैं। और अपन अपने भाई यार रत उतार रहे हैं, जो शरीर थक गया है। मैं तो थक गया रे, बहुत ज़्यादा थक गया। पता है एक और चीज़ है यहाँ पे, ये तो जैसे हर स्टेट से हर बंदे की खुराक अपनी अलग अलग है, अब यहाँ पे आगे ना एक तो खाने का जो सिस्टम है ना भाई, वो सारा ख़त्म हो जाता है। ना तो दूध मिलता है सही से, ना दही मिलता है, दही पता नहीं कितने दिन का होता है भाई, दो दो तीन तीन हफ्तों का, बस एक पराठे और मैगी, पराठे और मैगी। थोड़ा नीचे आते जब तो फिर भी आपको चावल और दाल, कढ़ी चावल या वो वैरायटी है, वो वैरायटी वाली सब्जियां मिल जाती हैं टोकनाथ में, मधवेश्वर में, भैया आलू दाल चावल, आलू दाल चावल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब ठीक है, एडवेंचर का यही होता है भैया, कुछ जो मिल जाए वो खा के सर्वाइव रहना है। पीस 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 एकदम पीस, सिर्फ पानी की आवाज़ सर सर वाली, कोई शोर शराबा नहीं। टाइम जब मैं और शिवा बद्रीनाथ गए थे ना, बद्रीनाथ हाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जब केदारनाथ वाले रास्ते पे ऐसे ही वाटरफॉल आया था, मैं नहाया था वहाँ पे, जब शिवा बोला यार डर लग रहा है, लेकिन नहा लिया था। शिवा ऐसा ही है भाई, बहुत ज़्यादा तेज था, ये थोड़ा स्लो है, तो पता नहीं मेरे को ही लग रहा है, वो एकदम थोड़ा सा खड़ा था यूँ, पानी गिर रहा था, थोड़ा सा स्लाइड होके आ रहा है पानी। सारे भाई अपने इंजॉय कर रहे हैं आराम से।
जो ग्रुप में आए हुए हैं भाई वो तो अपना तावल वावल लेके आए हैं, ये देखो सुखा रखे हैं। बढ़िया है, ग्रुप में आओ तो भाई दो बंदे आए तो और भी बढ़िया है, और मेरी तरह सोलो ट्रैवल करो तो भी बढ़िया है, कोई खास दिक्कत को नहीं। बस नहाण नहुण की सुविधा थोड़ी मुश्किल हो जाए। मन तो कर रहा है पूरा का पूरा, पूरा मन कर रहा है भाई कि नहा लूँ इसमें बैठ जाऊँ लौट जाऊँ, लेकिन क्या है ना एक तो बड़ा तावल नहीं लेके आया वरना तो मैं लौट जाता। ये भाई अपने सुल्फा पी रहे हैं यहाँ पे, क्या करें भाई, सारे भाई अपने एंजॉय कर रहे हैं, कोई सुल्फा पी के, कोई बीड़ी पी के, कोई दारू पी के, बेशक भगवान के घर आओ दारू पी के भी चलो हैं, सही है भाई। हर हर महादेव। अरे अगर वहाँ से झूले से यहाँ की कोई फोटो लेना, बढ़िया फोटो है, और DSLR हो थोड़ा सा जूम करके हल्का सा फोकस करके, एक नंबर की फोटो आई है कि नहीं। हाँ फोटो खींच लिए हैं बहुत, तब बस 5-10 मिनट और रेस्ट करके माल्यान को खींचते हैं ऋषिकेश। बंदा उधर घुस गया जाके। गंगाधर आए शिव गंगाधर आए, हर हर बोले नमः शिवाय।